हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ये है हल्दीराम का प्रोडक्ट, गोलगप्पे का पैकेट, जिसे मैंने अपने घर के पास से लिया है। ये रेडी टू फ्राई सीरियल पैलेट्स, तो ये है बड़ा पैकेट जिसमें हमें मिलती है 400 तक की पूरीज। और यहाँ आप देखिए, मैन्युफैक्चर्ड पैक्ड बाय हल्दीराम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पर लिखा गया है। और दोस्तों, साथ ही यहाँ पर है फ्राइंग इंस्ट्रक्शन कि कैसे हमें इस पूरी को फ्राई करना है। और फ्राई करने के पहले ये भी लिखा गया है इसमें कि आपको इसे थोड़ा धूप दिखाना है, तो धूप दिखाने के बाद ही आप इसे फ्राई करें, ये इसमें दिया गया है। और ये है इसका प्राइस 150 रुपीज़, और इसका नेट वेट है 1 kg। तो दोस्तों, पहले इसे मैं खोल के आपको दिखाऊंगी कि इसकी पूरी हमें कैसी मिलती है। तो मैंने जब इसे काउंट किया तो मुझे मिली है इसमें 390 पूरीज मुझे मिली है। और ये बोल देखिए, काफ़ी ज़्यादा इसमें भर के आ गई है पूरी। और इसका साइज़ ऐसा है, छोटा साइज़ हमें मिलता है और ओवल शेप में ये पूरी हमें मिलती है। तो इसे पहले मैं धूप दिखाऊंगी, इसे सुखाऊंगी, और उसके बाद ही मैं आपको इसे फ्राई करके दिखाऊंगी कि फ्राई होने के बाद ये कैसी बनती है। अब मैंने इसे सुखा दिया था और एक दिन हो गया है, अच्छे से सूख, अच्छे से मैंने इसे धूप दे दिया था। जालानी कंपनी का पानी पूरी पैकेट है ये, जिसे मैंने अलग से इसे शॉप से लाया है। और इसका मैं कर रही हूँ पानी तैयार, और यहाँ पे मैं 2 पैकेट से पानी तैयार करूँगी। 3 से 4 गिलास पानी मैं इसमें डाल रही हूँ बोल में, और इस मसाले को हम डालेंगे इसके अंदर। और इस मसाले का टेस्ट अच्छा है, खट्टापन भी है इसमें, तीखापन भी है। तो मीठा करने के लिए मैं इसमें थोड़ी शक्कर भी डालने वाली हूँ ताकि खट्टा मीठा स्वाद लगे। और इसका पानी बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, चम्मच से हमें मिला लेना है। चार पांच चम्मच शक्कर भी डाल दिया है मैंने। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने साथ ही मसाला तैयार किया है आलू का, जिसमें मैंने प्याज और सांभर थोड़ा नमक डाल के इसको तैयार कर लिया है। पानी भी तैयार हो गया है, तो अब चलेंगे और इस पूरी को करेंगे फ्राई। फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल में और भी गोलगप्पे के रिव्यू किए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ पूरियाँ लिया है और इसे हम करेंगे फ्राई। फ्राई करने के लिए मैंने सोयाबीन का तेल लिया है और इसे मैंने अच्छा गरम कर लिया है। और फिर गैस की आंच मध्यम रखते हुए मैंने 4 से 5 पूरी डाल दिया है। और इस तरह से हमें चम्मच से चलाते हुए घुमाते हुए हमें इसे फ्राई करेंगे, और ये अच्छे से फूल जाए इसलिए हमें पलटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोनों तरफ से हम इसे अच्छे से एक जैसा कलर करेंगे, और इस तरह से देखिए ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। तो ये देखिए, इस तरह से हमें फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा इसे लाल नहीं करेंगे हम। अब मैंने फिर से इसमें डाल दिया है, आप चाहे तो इसमें 6 से 7 पूरी भी डालकर फ्राई कर सकते हैं। हर एक पूरी को हमें पलटाना है, और ये देखिए बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाती है। और गर्मा गर्म अगर आप खाएंगे तो इसका टेस्ट भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ पूरी को फ्राई कर लिया है, तो इस तरह से दोस्तों मैंने कुछ पूरियों को फ्राई कर लिया है। और ये देखिए, मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ, ऐसा कलर हमें करना है फ्राई करने के लिए। और यहाँ पे एक जैसा कलर मैंने पूरी का किया है, और इतनी पूरी मैंने फ्राई कर ली है। और ये देखिए, ये दिखने में कितनी अच्छी दिख रही है, टेस्ट भी इसका अच्छा है, बस साइज़ थोड़ा छोटा है और कड़कपन मुझे लगा है इसको खाने में। और हमारे घर के सभी सदस्यों को ये पूरी थोड़ी कड़क लगी है, उन्होंने कहा कि बहुत कड़क है। देखिए, आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे, तो कड़क आवाज़ आती है इसकी, थोड़ी सी पपड़ी इसकी कड़क है। जो हल्दीराम का प्रोडक्ट है, इसको मैं 5 में से 2 रेटिंग देती हूँ। वो इसलिए क्योंकि ये पूरी हमें छोटे साइज़ की मिलती है, घर में छोटे बच्चे हैं उनके लिए अच्छी है, लेकिन खाने में कड़क है तो बच्चे भी खा नहीं पाएंगे।
और साइज़ छोटा है तो कोई बात नहीं है, पर कड़कपन इसमें नहीं होना था, इस वजह से मैं इसे रेटिंग देती हूँ 2। लेकिन टेस्ट इसका बहुत अच्छा लगा है खाने में। तो दोस्तों अगर आप कभी ये एक प्रोडक्ट लेते हैं तो इसके साथ आपको मसाला नहीं मिलेगा, और अगर अभी इस समय आप लेते हैं तो इसकी पूरी जो है छोटी मिलती है हमें, अब कड़क है, क्या पता आगे चल के कुछ चेंजेस आए इसमें, ऐसा भी होता रहता है। तो दोस्तों दोबारा तो हम इस पूरी को अपने घर में हम नहीं लाएंगे, क्योंकि हमें इसका, मैंने आपको बता दिया है कि इसका पसंद आया नहीं है हमें ये पूरी। तो दोस्तों अगर आपको इसका वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।